गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 19 के बारे में, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आज से एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इस चैप्टर का सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज इसका पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, और उसके पहले कुछ कॉमन टॉपिक हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तीन या चार लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसका पहला लेक्चर है, इसमें एक्सक्रीशन के तमाम सारे एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम ये बात भी करेंगे कि इसमें क्वेश्चन कहां से आते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, इसके इंट्रोडक्शन में एक कॉमन टॉपिक है, टाइप ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो बच्चों याद रखना, एक्सक्रीटरी वेस्ट के बेसिस पर एनिमल को हम कैटेगराइज करते हैं थ्री कैटेगरी में। अगर मेन वेस्ट अमोनिया है तो वो क्या कहलाता है, अमोनोटैलिक। अगर यूरिया है तो वो क्या कहलाता है, यूरियोटैलिक। और अगर यूरिक एसिड है, देन सच काइंड ऑफ एनिमल आर कॉल्ड एज यूरिकोटैलिक। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अमोनोटैलिक किसमें पाया जाता है, इट इज फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल। जितने भी वॉटरी एनिमल हैं, पानी में रहने वाले एनिमल हैं, उनमें ये पाया जाता है, जैसे मैनी बोनीफिसिस, एक्वेटिक एम्फीवियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। ठीक है, अगर मैं यूरियोटैलिक की बात करूं तो ये कहां पाया जाता है, लैंड एनिमल में पाया जाता है, जिसमें मरीन फिशेस, टेरिस्ट्रियल एम्फीवियन एज वेल एज मैमल्स। और अगर मैं यूरिकोटैलिक की बात करूं तो याद रखना ये उनमें पाए जाते हैं जिनमें वाटर का बहुत ज़्यादा कमी होती है, स्कैसिटी होती है, खासतौर से वो एनिमल जो ऐसे 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 लोकेशन में रहते हैं जहां वाटर बहुत ही कम होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, लैंड इंसेक्ट, लैंड स्नेल, रेप्टाइल एज वेल एज बर्ड। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और एक खास बात आपको और याद रखना है कि अमोनोटैलिक में मेनली जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, गिल सरफेस से अमोनियम के फॉर्म में होता है, और किडनी का रोल बहुत ही कम है। जबकि बाकी सब में लीवर और किडनी ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। लीवर यूरिया को बनाता है और किडनी यूरिया को यूरिक एसिड में टर्न करता है। और खास बात यह है कि अमोनिया को रिलीज करने के लिए 700 टाइम वाटर की जरूरत होती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर में, ये पेज नंबर 290 और 291 में एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन किंगडम एनिमेलिया है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो याद रखना, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। और एक्सक्रीशन कैसे होता है, बाय जनरल बॉडी सरफेस से इन सभी एनिमल में एक्सक्रीशन होता है। अगर मैं प्लेटी हेलमिंथिस, रोटिफर और सिफेलोकॉर्डेटा की बात करूं तो याद रखना, फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस पहला फाइलम है जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। और इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या हुआ, फ्लैटवर्म। और इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दिस इज प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर मैं एस्के हेलमिंथिस के बारे में बात करूं तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिंगल सेल है जिसका नाम है रेनेट सेल। अगर मैं एनिलिडा की बात करूं तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाता है नेफ्रिडिया, जो वास्तव में ट्यूब्यूलर ऑर्गन है। और अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बात करूं तो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, जिसका एग्जाम्पल क्या है, कॉकरोच। और क्रस्टेशिया, जिसका एग्जाम्पल क्या हुआ, प्रॉन। याद रखना, क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल क्या हुआ, प्रॉन, और इंसेक्ट का एग्जाम्पल क्या हुआ, कॉकरोच। और अगर मैं मोलस्का की बात करूं तो याद रखना, इसमें ऑर्गन ऑफ बुजानस, ऑर्गन ऑफ केवर एज वेल एज गिल। और मैं हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा की बात करूं तो यहां से किडनी का इनिशिएशन हो जाता है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा में किडनी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कॉर्डेटा में पूरी तरह से, कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में पूरी तरह से किडनी पाई जाती है, इस बात को याद रखना। हेमिकॉर्डेटा में प्रीमिटिव किडनी लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम एक्सक्रीशन का बात करते हैं तो याद रखना, सबसे पहले वन पेयर ऑफ किडनी, ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखेंगे, वन पेयर ऑफ किडनी। और उसमें आपको याद रखना है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी के कंपैरिजन में लार्जर एंड अपर होता है, बहुत अच्छी तरह से देखना। लेफ्ट किडनी का जो लोकेशन है वो राइट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपर है और थोड़ा सा लार्जर है। अगर मैं राइट किडनी की बात करूं तो ये लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मॉलर है और थोड़ा सा लोअर है।
अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो राइट किडनी में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? 0.8 मिलियन नेफ्रॉन, मींस 8 लाख नेफ्रॉन। और लेफ्ट किडनी में कितना पाया जाता है? 1.2 मिलियन नेफ्रॉन, मींस 12 लाख नेफ्रॉन। इस बात को याद रखना, ठीक है। फिर किडनी के इंटरनल सरफेस से ये देखो ओरिजिन होता है किसका? यूरेटर का। यूरेटर कहाँ जाकर खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलता है। और यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिन होता है किसका? यूरेथ्रा का। कुड यू फॉलो माय पॉइंट? उसके अलावा डॉर्सल एओर्टा से रीनल आर्टरी का ओरिजिन होता है, जो कहां एंटर करता है? किडनी में एंटर करता है। और रीनल वेन किसको ज्वाइन करता है? इंफीरियर वेना कावा को रीनल वेन ज्वाइन करता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर मानव के एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंटेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? हमारा किडनी का लोकेशन। किडनी का एक खास लोकेशन है, याद रखना। अगर मैं बॉडी का टीएस काटता हूं तो सबसे बाहर आपको क्या दिखाई देगा? स्किन दिखाई देगा। स्किन के बाद आपको क्या दिखाई देगा? सीलोमिक लाइनिंग। ये जो लाइनिंग पाई जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज सीलोमिक लाइनिंग। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और सीलोमिक लाइनिंग के अंदर क्या होता है? सीलोम होता है। जरा इस लोकेशन को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सबसे बाहर क्या हुआ? स्किन। स्किन के बाद सीलोमिक लाइनिंग और उसके बाद सीलोम। हमारे जो मोस्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन है, दीज आर फाउंड इन सीलोम। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अधिकांश जो हमारे बॉडी ऑर्गन है वो कहाँ पाए जाते हैं? सीलोम में पाए जाते हैं। बट कुल मिलाकर ये 4 ऑर्गन हैं, 1 पेयर ऑफ एड्रीनल एंड 1 पेयर ऑफ किडनी। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। ये कुल मिलाकर 4 ऑर्गन हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन बिटवीन स्किन एंड सीलोमिक लाइनिंग। मतलब ये इस स्पेस में पाए जाते हैं। और अगर कोई बॉडी ऑर्गन सीलोम के बाहर लेकिन स्किन के अंदर पाया जाता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो स्किन और सीलोमिक लाइनिंग के बीच में पाया जाता है, देन सच काइंड ऑफ ऑर्गन are called as retroperitoneal organ। तो सबसे पहले ये बात याद रखना, हमारा किडनी का लोकेशन क्या है? किडनी का लोकेशन है retroperitoneal। सबसे पहले ये बात याद रखना। फिर हम बात करें, अगर वर्टिब्रल कॉलम के साथ हम कंपैरिजन करें, ठीक है। तो देखो वर्टिब्रल कॉलम में कितने टाइप का वर्टिब्री होता है? सबसे पहले 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होता है। उसके बाद ये सर्वाइकल वर्टिब्री कहां पाया जाता है? नेक में पाया जाता है। उसके बाद 12 थोरेसिक वर्टिब्री है, और ये 12 थोरेसिक वर्टिब्री कहाँ पाया जाता है? चेस्ट में पाया जाता है। L फॉर लंबर एंड S फॉर सेक्रल। ये लंबर और सेक्रल कहाँ पाए जाते हैं? कमर में पाए जाते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री कितना होता है? ये 12 होता है। और लंबर वर्टिब्री कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। अगर मैं लोकेशन ऑफ किडनी की बात करूं तो याद रखना, ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री, मतलब 12 थोरेसिक वर्टिब्री से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है? थर्ड लंबर वर्टिब्री तक किडनी का लोकेशन है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना, कहां से कहां तक लोकेशन है। थोरेसिक वर्टिब्री कहां पाई जाती? चेस्ट में। टोटल कितना वर्टिब्री है? 12। और लंबर वर्टिब्री कहां पाई जाती है? कमर। क्या कमर का जो लोकेशन है, तो याद रखना किडनी का इनिशिएशन कहां से होता है? किडनी का इनिशिएशन होता है 12 या लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से। और ये कहां तक एक्सपेंड करता है? थर्ड लंबर वर्टिब्री तक। अगर आप साइज ऑफ किडनी की बात करते हो तो किडनी की लेंथ कितनी है? 10-12 सेंटीमीटर। इसका विड्थ या चौड़ाई कितना है? 5-7 सेंटीमीटर। इसका थिकनेस कितना हुआ? 2-3 सेंटीमीटर। और इसका वेट कितना हुआ? 120 मिलीग्राम। ये किडनी के पैरामीटर हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे किडनी के एक्सटर्नल जोन के बारे में, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना, अगर हम किडनी के इंटरनल सरफेस से देखने का प्रयास करेंगे तो ये कैसा है? ये कॉनकेव सरफेस है। और ये कॉनकेव सरफेस क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज हाइलस। ये किडनी का एक्सटर्नल सरफेस है। अगर हाइलस से आप अंदर एंटर करोगे किडनी के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? सबसे पहले पेल्विस दिखाई देगा। पेल्विस के बाद आपको क्या दिखाई देगा? कैलिसिस या कैलिक्स आपको दिखाई देगा। और अगर आप एक्सटर्नल सरफेस पर जाते हो तो याद रखना किडनी के चारों तरफ एक कवरिंग है जो क्या कहलाता है? पेरी रीनल कैप्सूल। और पेरी रीनल कैप्सूल और किडनी के बीच में ये एक स्पेस है। ये स्पेस क्या कहलाता है? दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरी रीनल स्पेस। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना,
ठीक है, तो याद रखना अगर आप किडनी का बात करते हो तो तो जो इसका इंटरनल सरफेस है दिस इज कॉल्ड एज हाइलस, और एक्सटर्नल सरफेस किससे बना है, पेरी रीनल कैप्सूल से बना है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इंटरनल सरफेस पर हम जाएंगे तो जो सबसे पहले मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइलस मिलेगा। फिर सेकेंड नंबर पर क्या मिलेगा, पैल्बिस मिलेगा। फिर थर्ड सेकेंड नंबर पर ये पैल्बिस, नंबर वन पर हाइलस, उसके बाद क्या मिलेगा, थर्ड नंबर पर कैलिक्स और कैलिसिस। कैलिक्स क्या है, सिंगुलर है, और कैलिसिस क्या है, प्लूरल है। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर पर आपको क्या मिलेगा, मेड्यूला मिलेगा, और बिल्कुल एक्सटर्नल सरफेस पर अब जाओगे फिफ्थ नंबर पे तो कॉर्टेक्स आपको दिखाई देगा। याद रखना किडनी का जो इंटरनल सरफेस है वो कॉनकेव है, और जो एक्सटर्नल सरफेस है वो कैसा है, कॉनवेक्स है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ हम किडनी के स्ट्रक्चर में और भी डिटेल जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ ये जो रेड कलर से हमने बनाया दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है। रेड कलर से जो हमने बनाया वो कॉर्टेक्स, और ये जो हमने बनाया हुआ है ब्लू कलर से ये क्या है, ये मेड्यूला है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। बाहर जो रेड कलर से हमने बनाया कॉर्टेक्स, और अंदर के साइड में जो हमने बनाया ब्लू कलर से ये मेड्यूला है। अब याद रखना मेड्यूला में कुछ एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरह से, एंड दीज आर कॉल्ड एज रीनल और मेड्यूलरी पिरामिड। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ये कहाँ पाया जाता है, ये मेड्यूला में पाया जाता है। दूसरी बात याद रखना, मेड्यूला के बीच में पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स मेड्यूला के अंदर धस जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। एक बार फिर ध्यान से देखेंगे, रेड कलर से हमने क्या बनाया, कॉर्टेक्स बनाया, और ब्लू कलर से हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया मेड्यूला, और मेड्यूला में क्या, मेड्यूलरी पिरामिड, पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स मेड्यूला के अंदर धस जाता है, और इसके धसने से जो स्ट्रक्चर बनता है, इसके एम्बेड करने से जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी बाय द एंट्री ऑफ कॉर्टेक्स इन टू मेड्यूला इन बिटवीन पिरामिड, ठीक है। अब एक बात याद रखना, पिरामिड के ठीक सामने का जो स्पेस है, आप चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी के बीच का या पिरामिड के सामने का जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज माइनर कैलिक्स। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब इन चीज़ों को थोड़ा हम और भी जानने का प्रयास करेंगे। अगर मैं और जानने का प्रयास करूं तो हम ये डायग्राम देखेंगे। इसमें देखो ये रेड कलर से क्या बना हुआ है, कॉर्टेक्स, और यहाँ जो बना हुआ है दिस इज मेड्यूला। अब अच्छी तरह से याद रखना, देखो मेड्यूला में क्या बना हुआ है, ये मेड्यूलरी पिरामिड बने हुए हैं, और पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स मेड्यूला के अंदर एम्बेड कर जाता है, जिससे क्या बनता है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। अब याद रखना दो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी के बीच का स्पेस या मेड्यूलरी पिरामिड के ठीक सामने का स्पेस, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है माइनर कैलिक्स। दिस इज कॉल्ड एज माइनर कैलिक्स। और अगर दो या तीन माइनर कैलिक्स इसको हम मिला दें, जैसे देखो एक एक माइनर कैलिक्स ये हुआ, एक माइनर कैलिक्स ये हुआ, एक माइनर कैलिक्स ये हुआ, अगर दो या तीन माइनर कैलिक्स इसको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेजर कैलिक्स। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, अगर दो या तीन माइनर कैलिक्स इसको हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मेजर कैलिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिरामिड को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो पिरामिड का जो ब्रॉड एरिया है दिस इज कॉल्ड एज बेस, और इसका जो पॉइंटेड एरिया है दिस इज कॉल्ड एज एपेक्स और एरिया क्रीवोसा। याद रखना हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और पिरामिड में अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो पूरा नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में, बट उसका एक पार्ट है लूप ऑफ हेनले, वो कहाँ एंटर करता है, ये पिरामिड में एंटर। उसके अलावा दूसरी बात याद रखना, चीफ कलेक्टिंग डक्ट या डक्ट ऑफ बेलिनी ये भी कहाँ एंटर करती है, ये पिरामिड में एंटर करती है, यूरिन लेकर आती है, यूरिन को कहाँ पहुंचा देती है, एपेक्स ऑफ क्रीवोसा से बाहर निकाल कर ये कैलिक्स वाले एरिया में पहुंचा देता है। तो ये पिरामिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लें किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। अगर मैं नेफ्रॉन के बारे में बात करूं तो देखो नेफ्रॉन कितने कंटेंट से कुल मिलाकर बना हुआ है, देखो सबसे पहले ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद हो जाएगा बोमन कैप्सूल, और अगर ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मैं मिला दूं तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, मेल्पिजियन कॉर्पसेल्स। इस बात को याद रखना, दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, मेल्पिजियन कॉर्पसेल्स।
उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसका सेकंड पार्ट क्या कहलाता है, एलएच और लूप ऑफ हेनले, और तीसरा पार्ट क्या कहलाता है, डीसीटी और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो कुल मिलाकर ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये पांच पार्ट से मिलकर नेफ्रॉन बना होता है। और याद रखना नेफ्रॉन कहाँ टर्मिनेट हो जाता है, डीसीटी पर टर्मिनेट हो जाता है। डीसीटी के बाद जो सीटी पाया जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। याद रखना सीटी नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, इस बात को दिमाग में सेट करके रखेंगे, ठीक है। और इसमें याद रखना ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैल्पिजियन कॉर्पसिल्स, और पीसीटी LH और DCT मिलकर क्या कहलाता है, दिस आर कॉल्ड एज सीक्रेटरी ट्यूब्यूल। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब यहां पर कुछ एक डेफिनेशन को हम जानने का प्रयास करते हैं। देखो पहला डेफिनेशन ये है, मालपिजियन ट्यूब्यूल का डेफिनेशन क्या हुआ, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, ये याद रखना। अगर मैं आपसे बात करूं रीनल ट्यूब्यूल का डेफिनेशन क्या है, तो याद रखना ये फोर स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। नंबर वन पर बोमन कैप्सूल, नंबर टू पर हो जाएगा पीसीटी, नंबर थ्री पर हो जाएगा एलएच और नंबर फोर पर हो जाएगा डीसीटी, इस बात को याद रखना। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ सीक्रेटरी ट्यूब्यूल, तो इसमें हम बोमन कैप्सूल को शामिल नहीं करेंगे, एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर वन पीसीटी, नंबर टू एलएच एंड नंबर थ्री डीसीटी। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, रीनल ट्यूब्यूल और सीक्रेटरी ट्यूब्यूल ये दोनों एक ही चीजें नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। देखो ये मैंने मेड्यूला बनाया, ये मैंने मेड्यूला बनाया, और मेड्यूला के अंदर क्या बनाया, कॉर्टेक्स बनाया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो नंबर वन नेफ्रॉन है ये कॉर्टेक्स में है, लेकिन कॉर्टेक्स के इंटरनल सरफेस पर है, इस बात को याद रखना। कहां पर है, कॉर्टेक्स के इंटरनल सरफेस पर है। इसका जो अधिकांश हिस्सा है, खास तौर से जो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का पार्ट है, ये कहां है, कॉर्टेक्स के इंटरनल सरफेस पर। इंटरनल सरफेस का मतलब क्या हुआ, नियर बाई मेड्यूला, तो इसका नाम क्या हुआ, जक्स्टा मेड्यूलरी। जक्स्टा का मतलब क्या होता है, जक्स्टा का मतलब होता है नियर बाई, इस बात को याद रखना। जक्स्टा का मतलब क्या होता है, जक्स्टा का मतलब होता है नियर बाई, तो ये मेड्यूला के करीब है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज जक्स्टा मेड्यूलरी। इमरजेंसी नेफ्रॉन इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये काम नहीं करता। ये कब काम करता है, जब बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है और वाटर को बचाना होता है, तब ये काम करता है। दूसरा नेफ्रॉन जिसका बोमन कैप्सूल कॉर्टेक्स के बाहर के साइड में, दिस इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल और कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये हमेशा काम, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मैल्पिजियन कॉर्पसिल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब देखो मैल्पिजियन कॉर्पसिल्स इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ग्लोमेरुलस एज वेल एज बोमन कैप्सूल। अगर मैं ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर की बात करूं, इट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसका जो पहला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अफरेंट आर्टेरियोल, इसका सेकंड पार्ट क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस प्रॉपर, और इसका थर्ड पार्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज इफरेंट आर्टेरियोल। अब एक बात याद रखना, अफरेंट का मतलब क्या होता है, इनकमिंग, तो ब्लड इसमें कहां से एंटर करेगा, अफरेंट आर्टेरियोल से एंटर करेगा, उसके बाद कहां जाएगा, ग्लोमेरुलस प्रॉपर में जाएगा, और उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल से होता हुआ ब्लड यहां से बाहर निकल जाएगा। अब एक बात और याद रखना है, देखो अफरेंट आर्टेरियोल का जो डायामीटर है वो इफरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन में 2.5 टाइम ग्रेटर है, इस बात को याद रखना। अफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है इफरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन में 2.5 टाइम ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, अफरेंट आर्टेरियोल से जितना ब्लड एंटर करेगा उतना कभी भी इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर नहीं निकल पाएगा, इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बोमन कैप्सूल का। बोमन कैप्सूल डबल लेयर से बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसका जो इंटरनल लेयर है दिस इज कॉल्ड एज विसरल लेयर, अंदर का लेयर क्या कहलाता है, विसरल लेयर, एंड एक्सटर्नल लेयर इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर। इसका जो बाहर का लेयर है वो क्या कहलाता है, ये पैराइटल लेयर कहलाता है। और याद रखना
ग्लोमेरुलस प्रॉपर किससे बना हुआ है? ये 20-50 ब्लड कैपिलरी से बना हुआ है, ठीक है ना। और ब्लड कैपिलरी की जो एंडोथीलियम है और बोमन कैप्सूल का जो विसरल लेयर है, ये दोनों मिलकर फिल्ट्रेशन बेड बनाते हैं। मतलब ये दोनों मिलकर वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ये वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो किसका काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? ये स्ट्रक्चर हुआ मैल्पिजियन कॉर्पसेल्स का। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फिल्ट्रेशन बेड। यहां जो हमने देखा, ये ब्लड कैपिलरी और विसरल एपिथीलियम मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन बेड। अब फिल्ट्रेशन बेड का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इसमें देखो जो रेड कलर से हमने बनाया, ये क्या है? दिस इज एंडोथीलियम और ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी की दीवार किससे बनती है? एंडोथीलियम से बनती है, ठीक है। और उसके बाद में देखो, ये जो है ब्लड कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ। उसके बाद ये जो है ये विसरल लेयर का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मतलब बीच में यहाँ दो बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ जो हमने बनाया हुआ है, ये जो कुछ स्काई ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ये लेयर क्या कहलाती है? दिस लेयर इज कॉल्ड एज विसरल एपिथीलियम। इस बात को याद रखना, ये क्या कहलाता है? विसरल एपिथीलियम। अब देखो, विसरल एपिथीलियम में एक खास तरह का सेल है, ये खास तरह का सेल क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज पोडोसाइट। अगर मैं पोडोसाइट के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो देखो ये पोडोसाइट का डिटेल स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये एक पोडोसाइट है और ये दूसरा पोडोसाइट है। पोडोसाइट का जो चौड़ा हिस्सा है, जो ब्रॉड हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोसेस। ये क्या कहलाता है? ये प्राइमरी प्रोसेस कहलाता है। जबकि जो इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोसेस और पेडिसिल। और दोनों साइड के पेडिसिल के बीच में 25 नैनोमीटर का स्पेस पाया जाता है, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन सिलिट। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, ये स्पेस क्या कहलाता है? ये फिल्ट्रेशन सिलिट कहलाता है, ठीक है। फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सीक्रेटरी ट्यूब्यूल के बारे में, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखो, इसका पहला हिस्सा ये पीसीटी हुआ, और पीसीटी का खास बात क्या है? पीसीटी का खास बात ये, इसके अंदर माइक्रोब्लाई या ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, जिसके चलते इसका एब्जॉर्प्शन का जो कैपेसिटी है ये बढ़ जाता है। दूसरा, इसका सेकंड पार्ट क्या कहलाता है? इसका सेकंड पार्ट कहलाता है ये सेकंड पार्ट जो हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये लूप ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ हेनले दो स्ट्रक्चर से बना हुआ है। इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज DLLS, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये कहलाता है। और दूसरा जो इसका सेगमेंट है, ये जो यहाँ से देखो, यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे के साइड में जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, तो जहां से ऊपर के साइड में जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ALLH, ठीक है। और इसका दो सेगमेंट है, पहला सेगमेंट पतला है जिसे हम थिन सेगमेंट कहते हैं, और दूसरा सेगमेंट का डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड एज थिक सेगमेंट। और उसके बाद क्या पाया जाता है? DCT या डिस्टल कॉन्डुलेटेड ट्यूब्यूल। तो अगर आप इसके बारे में बात करते हो, तो याद रखना, सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्डुलेटेड ट्यूब्यूल PCT, उसके बाद DLLH, DLLH के बाद हो जाएगा ALLH, और चौथे नंबर पर आ जाएगा DCT। याद रखना, CT नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, CT इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा, उसी डायग्राम को हमने यहाँ दोबारा से बनाया हुआ, जिसको बहुत देखने की जरूरत नहीं, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर यहाँ ये DCT से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, देखो DCT के बाद क्या? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये याद रखना, ठीक है। DCT के बाद क्या हुआ? DCT के बाद याद रखना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे, लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, नेफ्रॉन यहाँ खत्म हो जाता है। अब देखो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक दूसरे ट्यूब्यूल में जाकर खुलती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज CCT, चीफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डक्ट ऑफ बैलनी, गॉट इट। और ये डक्ट ऑफ बेलनी कहाँ जाकर खुल जाता है? ये पिरामिड में जाकर खुल जाता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, कहाँ जाकर खुल जाता है? ये पिरामिड में जाकर खुल जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने एक और डायग्राम बनाया, देखो ये बीच में जो हमने बनाया, ये बोमन कैप्सूल के बाद ये PCT हुआ, PCT के बाद ये लूप ऑफ हेनले, उसके बाद ये DCT,
ठीक है। अब बोमन कैप्सूल में हमने बनाया था कि अफरेंट आर्टेरियोल बोमन कैप्सूल में एंटर करता है और इफरेंट आर्टेरियोल यहां से बाहर निकल जाता है। अब इफरेंट आर्टेरियोल बहुत सारा ब्रांचेस को बनाता है और ये ब्रांचेस पीसीटी, डीसीटी, एलएच और सीटी चारों के, इन चारों के चारों तरफ एक नेटवर्क बनाती है। ये नेटवर्क क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। ये जो जाल बनाता है पूरा सिक्रेटरी टिब्यूल के चारों तरफ, दिस इज कॉल्ड एज पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। अब एक बात ध्यान देना, जब ये एलएच के चारों तरफ, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ नेटवर्क बनाएगा तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, नेटवर्क बहुत ज्यादा घना हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज बासा रेक्टा। और बासा रेक्टा कहां बनता है याद रखना, बासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ बनाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमें इसमें कुल मिलाकर पढ़नी थी, अभी जितना हमने पढ़ लिया है। यहां पर किडनी और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी फंक्शनिंग के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसके क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो देखो क्वेश्चन कहां कहां से बनता है, कैसा कैसा बनता है, इसको अच्छी तरह से याद रखना। देखो सबसे पहला तो ये इसके बारे में, इनमें जो आप पढ़ रहे हो इसमें पहला और दूसरा पॉइंट आपको तैयार करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट खास तौर से आपको तैयार करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल एक बार देख लेने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल, इसमें अधिकांश एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, ये डायग्राम का बार बार प्रैक्टिस करना है और रिट्रोपेरिटोनियल जो एपरेटस है उसको समझना है। फिर ये तीन चार वैल्यूज है जो याद रखना है, सब एनसीईआरटी के है। और उसके बाद फिर सीधा सीधा ये डायग्राम आपको याद रख लेना है और ये डायग्राम समझने वाला है, ये केवल समझने के, ये सारे डायग्राम केवल समझने के। फिर इस डायग्राम को याद रख लेंगे, ये वैल्यूज एनसीईआरटी की इनको याद रखेंगे, तो इस तरह से कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है। यहाँ पर केवल ये याद रखना है पोडोसाइट यहाँ पाया जाता है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है और ये सब कॉमन सी बातें हैं। तो अभी इतनी बातें हमने डिस्कशन कर लिया, कल हम तो यहाँ पर इसका एनाटॉमी कंप्लीट हो जाता है। कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। सो